निचली अदालत से दो बार जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की ओर से मुंबई हाई कोर्ट में एक और जमानत की अर्जी दी। हालांकि बुधवार को मुंबई में बारिश के कारण हाई कोर्ट बंद रहा। रिया के वकील सतीश मानचंदी की ओर से दायर याचिका में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने तीन केंद्रीय एजेंसियों पर विच हंटिंग का आरोप लगाया। याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र एजेंसी के पास रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ड्रग की आदत को बनाए रखने के लिए अपने करीब रहने वाले लोगों का फायदा उठाया। बड़ा खुलासा ये भी किया कि इस याचिका में रिया चक्रवर्ती की ओर से पहली बार ये एक्सेप्ट किया गया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाए थे, लेकिन कम मात्रा में। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर यह भी आरोप लगाया कि ड्रग्स पीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत खुद मिटाता था सबूत अपने फोन से, दूसरों के फोन से और साथ ही अपने सिस्टम से भी, अपने लैपटॉप से भी। इसका खुलासा खुद रिया चक्रवर्ती ने किया कि ड्रग्स पीने के बाद क्या करतूत करता था सुशांत सिंह राजपूत, इसका खुलासा रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में किया। सवाल ये कि जो सच अब रिया चक्रवर्ती बता रही है, ये सच उसने पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये बोलने के लिए उन्हें उनके वकील ने कहा या फिर अपने आप ऐसी बातें बनाती हुई नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए? नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।